हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। मुनिवर, स्वयंवर के तो अर्थ यह बा कि राजकुमारी जकरा के पसंद करी है ओकरे गला में वरमाला पहना दी हन, फिर ओकरा में बल और कौशल दिखावे की आवश्यकता ही कहा बा? ऐसे कि महाराज जनक सीता के ब्याह खातिर एगो कठिन शर्त रख ले बाड़न। शर्त? हाँ रघुनंदन, कई कारण से इस स्वयंवर बड़ा अद्भुत हुई। पहला कारण तो ई कि सीता स्वयं एक अद्भुत कन्या है, और दूसर कारण ई है कि महाराज जनक के पास भगवान शिव की एगो अलौकिक धनुष है, जे शिव देवता सबके देले रहन, और देवता सब जनक के पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर के रूप में रख ले रहन। सीता की देवी कन्या मान के महाराज जनक ई निश्चय कैले हवन कि सीता के ब्याह कौनो साधारण मानव से ना हो सकेला, और उस शर्त रख देले कि जे सूरवीर वो महान शिव धनुष के झुका के ओकरा पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, ओकरे से सीता के ब्याह हुई। वही चमत्कार के देखे खातिर तू हमरा संगे मिथिला चला, यह हमारी इच्छा बा। अहो भाग्य, तकाल प्रातः ही प्रस्थान करब। जी आज्ञा गुरुदेव। हे रघुकुल तिलक राम वत्स लक्ष्मण, ई परम पावनी सर्व पाप नाशिनी गंगा हई, इनकरा प्रणाम कर। वत्स राम, पवित्र गंगा नदी के पुष्प से पूजा कर। वत्स लक्ष्मण, तू भी पुष्प ल, तू भी पूजा कर। राम, ई पवित्र गंगा नदी तोहार पुरखन के देन बा। हमार पुरखन के देन? हाँ, बैठ। राम, तोहार उज्जवल कुल के कथा सुनावत हैं। वत्स, प्रतापी इक्ष्वाकु वंश में एगो धर्मात्मा राजा सगर भइल रहन। उनके प्रशंसा के कारण देवता के राजा इंद्र उनकरा से बहुत ईर्ष्या करत रहलन। ऐसे जब महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ करे के निश्चय कैलन, त इंद्र उनकर यज्ञ निष्फल करे खातिर यज्ञ के घोड़ा चुरा लेलन।
और पाताल लोक में ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में लुका दिलन। जब राजा सगर के ई समाचार मिलल तब वो अपन 60,000 बेटन के घोड़ा के खोज में चारों दिशा में भेज दिलन। घोड़ा के खोजत खोजत वो लोग जब यज्ञ के घोड़ा के कपिल मुनि के आश्रम में देखलन तो कपिल मुनि के चोर समझ के उनकर बहुत अपमान कैलन। एकरा पर क्रोधित होके कपिल मुनि शराब दे देलन और एक ही क्षण में उस सबके शरीर के जला के भस्म कर देलन। शराब के कारण मारल जाए के चलते उस 60,000 जीवात्मा अंतरिक्ष में भटके लागल। तब नारद उनकरा एगो उपाय बतवलन, यदि गंगा जी के स्वर्ग से धरती और धरती से पाताल लोक तक लावल जाई तो पवित्र गंगा जल के स्पर्श से उस सब भटकत आत्मा के मुक्ति प्राप्त हो जाई। बाकी सगर और उनकर कई पीढ़ी तक केहू भी गंगा के लावे में सफल ना हो सकल। फिर दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ इन निश्चय कैलन कि वो गंगा के धरती पर ला के अपन सब पितरन के उद्धार करिए। गंगा जी के धरती पर लावे खातिर घोर तपस्या कैलन।